दोस्तों कहते हैं भगवान शिव की कृपा अगर भक्त पर हो जाए तो फिर उस भक्त का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे भीकू जी के साथ। दरअसल दोस्तों इनके साथ एक बड़ी ही विचित्र घटना घटित हुई जिसको हमें भेजा उन्हीं के गांव वाले ने। इस वीडियो को देख आप भी भोलेनाथ की भक्ति में रम जाएंगे। दोस्तों भीकू जी एक दलित परिवार से हैं और बहुत ही गरीब हैं। उनकी चार बेटियां थी जिनमें से तीन की तो शादी उन्होंने अपनी जमा पूंजी से करी, परंतु चौथी बेटी की शादी के लिए उन्होंने गांव के ही एक साहूकार से उधार ले लिया। भीकू जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। भले खुशी का पल हो या दुख का पल, महादेव को वो हर समय याद करते हैं। वो भी कुछ मांगने के लिए नहीं बल्कि उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि जो भी उनके जीवन में है वह सब महादेव का आशीर्वाद है। भीकू की सभी बेटियों की शादी तो हो गई परंतु अभी साहूकार का कर्ज बाकी था जो धीरे धीरे भीकू के लिए सरदर्द बनता जा रहा था। सरदर्द वो पैसे नहीं थे जो भीकू ने उधार लिए थे बल्कि उनसे पैदा होने वाला ब्याज जो कि भीकू अगर अपने आप को बेच भी दे तो भी नहीं चुका सकता। लगभग 2-3 महीने बाद ही साहूकार के आदमी ने भीकू को परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि इस बार भीकू के पास कोई काम नहीं था। वो वैसे तो भवन निर्माण के कार्यों में मजदूरी करता था, उसमें उसे जो भी पैसा मिलता उसे ब्याज के रूप में वो साहूकार को दे देता, परंतु काम ना होने के कारण अब वो ब्याज भी नहीं दे पा रहा था और साहूकार के आदमी अक्सर शराब पीकर भीकू के कहर आ धमकते और उसके बर्तन कपड़े घर से बाहर फेंकने लगते। एक दिन की बात है, साहूकार खुद 4-5 आदमियों को लेकर भीकू के पास आया और बोला, आज या तो मेरा ब्याज दे या मैं तेरा सब कुछ ले लूंगा। भीकू ने साहूकार के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दें, मैं सारा ब्याज चुकता कर दूंगा। परंतु साहूकार ने इस बार एक न सुनी, उसने अपने सारे आदमियों को भीकू को मारने भेजा और जबरदस्ती एक सादे कागज में उसका अंगूठा लगाने की कोशिश करने लगा। इस बार भीकू अंदर से बहुत डर गया, उसे लगा कि अब सिर्फ उसकी महादेव ही रक्षा कर सकते हैं और उसने महादेव को याद किया। तभी अचानक से एक बहुत ही विशाल सांप वहां आ गया। उसे देखते ही सारे आदमी और साहूकार डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागे। वहां से तो साहूकार उस सांप से उस समय बचकर निकल गया, परंतु जब रात को वो सोया तो उसे बड़ा ही विचित्र सपना आया जिसमें एक काले नाग ने उसे कस कर जकड़ा हुआ था और उस साहूकार को बोलता है, तू क्यों मेरे भक्त भीकू को परेशान कर रहा है और सावधान किया, अगर भीकू को फिर परेशान किया जाएगा तो साहूकार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी। उसके बाद साहूकार ने देखा कि काले सांप ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और साहूकार ने मौका देख वहां से भागना सही समझा, परंतु तुरंत साहूकार का सपना टूटा। उस समय वो पूरे पसीने से भीगा हुआ था और तुरंत उठकर भीकू के पास गया और उससे माफ़ी मांगी तथा उससे बोला कि मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर रहा हूँ। पहले तो ये सब देख भीकू आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। फिर उसे सब समझ में आने लगा, वह समझ गया कि यह सब कुछ महादेव की ही कृपा है जो उस पर हुई है। तो दोस्तों देखा आपने, अगर भगवान शिव पर आस्था हो और उन्हें दिल से पुकारा जाए तो वे आपको हर विपदा से बचा ही लेते हैं। दोस्तों अगर यह कथा आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी स्टोरी शेयर करना ना भूलें। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहां पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।